नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बायोलॉजी। अब उससे पहले फिर से आप लोगों को इस चैप्टर का जो रोड मैप है वो दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये देखिए, हमने वायरस था जो पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, पाइरोइड। उसके बाद और दो चीजें रह गया है, पियॉन्स एंड लाइकेन्स, देन चैप्टर खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स फ्री आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। वायरस क्या है? फ्री आरएनए, वो आरएनए मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल, और उसके आरएनए के बाहर कोई प्रोटीन कोड नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? कोई प्रोटीन कोड नहीं रहती है। विदाउट प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड, दे आर फ्री आरएनए, इट इज फ्री आरएनए मॉलिक्यूल। द एंड आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट, नॉट हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से भी क्वेश्चन होती है। देखिए, छोटे छोटे चीजें चेंज करके क्वेश्चन बना देती है चीजें, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है। द आर एन ए इज लो मॉलिकुलर वेट, लो नॉट हाई। देन डिस्कवर्ड बाय चियोरिनियर इन 1971। यह भी अच्छे से याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम तो रखना ही है। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट। यह क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है जो डिजीज कॉज करती है। ठीक है, ये इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज स्मॉलर देन वायरसेस। अब अगर क्वेश्चन ऐसे बना देती है कि आप अरेंज कीजिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? बैक्टीरिया सबसे बड़ा है, देन क्या है? वायरस, देन क्या है? वायरॉइड। अगर क्वेश्चन बाई चांस ऐसे दे देती है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, वायरस से छोटा क्या है? बैक्टीरिया से छोटा क्या है? वायरस। वायरस से छोटा क्या है? वायरॉइड। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे कैन कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये एक डिजीज का नाम है, कहाँ पर होती है ये डिजीज? पोटेटो में। दे कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्वेश्चन देगी, क्वेश्चन ऐसे देगा कि हुज ऑफ द फॉलोइंग कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरॉइड वायरसेस से कैसे डिफर है, अलग कैसे है? ठीक है, कैसे? डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। क्या डीएनए तो पहले ही नहीं है? डीएनए तो पहले ही नहीं है, क्या है? आरएनए। अब आरएनए कैसे रहता है? फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बाहर उस आरएनए का बाहर कोई प्रोटीन कोड नहीं रहता है। दैट मीन्स आंसर क्या है आपका? ये वाला डी, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन। आप देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? ये सब क्वेश्चन दिखाने का आपका मेन मेन मोटिव यही है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे बातों को लेके क्वेश्चन बना देती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। अब रॉन्ग को आप मार्क कीजिए, फॉर वायरॉइड्स दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, सही है गलत? सही, दे आर स्मॉलर देन वायरस। दे कॉज इन्फेक्शन, सही है गलत? हाँ, वो क्या एनिमल्स या प्लांट्स के फ्रेंड्स है क्या? नहीं है। क्या है? दे आर एनिमी, दे कॉज इन्फेक्शन, दे आर आरएनए ऑफ हायर मोलिकुलर वेट। देखिए क्वेश्चन कैसे बना दिया, आप सिर्फ एक वर्ड को ही चेंज कर दिया, हायर एंड लोअर। ठीक है, तो डेट मीन दे आर आरएनए इज ऑफ हाई एंड लो, ये क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। दैट मीन्स आपका आंसर तो मिल गया, फिर भी लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, दे लैक ए प्रोटीन कोड। हाँ, प्रोटीन कोड नहीं रहता है उनमें, तो आपका आंसर क्या है? ये वाला सी, ये रॉन्ग है, और आपको क्या चाहिए? रॉन्ग स्टेटमेंट। देन क्या है और एक क्वेश्चन? रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन, रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क कीजिए। द वायरस वेयर डिस्कवर्ड बाय जेडी इवनस्की, सही है गलत? गलत। क्यों? वायरस किसने डिस्कवर किया था वायरस को? टीओडिनियर ने। ठीक है, और आपको चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट देने, दैट मीन्स पहला वाला ही आपका आंसर है, ये वाला आपका आंसर है, क्योंकि ये क्या है? गलत है। बाकी ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे प्रियॉन्स, और दो चीज रह गई थी ना, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस लास्ट में, याद है ना आपको?
रोड मैप। आप प्रियॉन्स क्या है? दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या एबनॉर्मली? हाँ, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगी। एबनॉर्मली को हटा के नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन दे दें, इसलिए आपको ऐसे ही पढ़ना है, छोटे छोटे चीजों को फोकस में रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाती है तो उसको लेके पागल हो जाती है, ठीक है, और 98% क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही इजी है उनको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर दो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 98% करेक्ट करके आना है। दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, दे ट्रांसमिट इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। क्या करते हैं वो लोग? दे ट्रांसमिट इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। क्या न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस? ये भी आपको फोकस में रखना है। एंड दे आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। दे आर वायरस के साइज का सिमिलर है। तो आप अगर फिर से वो ऑर्डर बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया, देन वायरस। क्या वायरस? उसके बाद वायरस के इक्वल क्या है? प्रियॉन्स। देन उससे छोटा क्या है? वायरस। ऐसे ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। स्मॉल सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, वायरस के साथ साइज सिमिलर है। बिकॉज वो लोग क्या कर करते हैं? बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंसेफेलोपैथी, BSE। क्या? बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंसेफेलोपैथी। अगर नाम याद ना रहे 100 बार लिखिए, 100 बार नहीं इससे नहीं होती है, 1000 बार लिखिए, लेकिन आना ही है, आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन मेडकाउ डिजीज इन कैटल, मतलब ये बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंसेफेलोपैथी को क्या कहते हैं? मेडकाउ डिजीज। कहाँ पर होती है? कैटल में। कहाँ पर? कैटल में। देन सियर जेकॉब डिजीज, जिसको CJD कहा जाता है इन ह्यूमेंस। ह्यूमेंस में क्या होता है? सियर जेकॉब डिजीज, जिसको CJD कहा जाता है, वो करती है ह्यूमन में। और कैटल में क्या? कैटल में बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी। देन हम लास्ट में पढ़ेंगे लाइकेंस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब लाइकेंस तो आपने पहले ही पढ़ लिया, फिर से पढ़ लेते हैं। लाइसेंस, लाइकेंस क्या है? लाइकेन ये एक एसोसिएशन है। क्या है? एक एसोसिएशन। आप कौन सी टाइप का एसोसिएशन? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक मतलब बहुत म्यूचुअली बेनिफिशियल, मतलब दोनों पार्टनर को क्या होती है? बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअली बेनिफिशियल। BNI म्यूचुअली बेनिफिशियल, ठीक है। सिम्बायोटिक आप कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म के अंदर बीच में ये एसोसिएशन बनती है? कौन सी? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई के बीच में ये एसोसिएशन बनते हैं, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता है? लाइकेंस। अब इसमें थोड़े ध्यान का चीज ये है कि ये जो एल्गल कंपोनेंट है, अब एल्गी क्या करती है? एल्गी क्या है? एल्गी ऑटोट्रॉफ से। और फंजाई आपको पता ही है, अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया। फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। और आपको मैं हमेशा ही कहते आ रहा हूँ कि आप जब एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, नोट्स पेपर बनाएंगे, उसको पूरा पढ़िए, पढ़ेंगे, पूरा सीखेंगे, जब तक रिटेन नहीं रहता है तब तक पढ़ेंगे, उसके बाद देन आप मूव कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आप रेंडमली बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। तब जाके क्या होगा? मतलब आप अगर माइंड में आपका ये सब सारा कुछ रहेगा, तब नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे उसमें और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आएगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी ज्यादा आएगा, इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। चीजों को रिलेट कर पाएंगे, चीजों को रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, लास्ट लेक्चर में क्या था क्या नहीं था। अच्छा, अब ये जो एल्गी है ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। एल्गी ऑटोट्रॉप्स है। एंड फंजाई क्या है? हिटरोट्रॉप्स। दैट मीन्स तो एल्गी, एल्गल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? फाइकोबायोन्ट। क्या? फाइकोबायोन्ट। एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक। एंड वो तो ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स क्या करती है एल्गी? एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। और वो अब एसोसिएशन में, दैट मीन्स अपने पार्टनर को तो
कुछ फायदा देगी। तो क्या फायदा देगी? वो जो प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करेगी वो अपना पार्टनर को भी थोड़ा देगी। अब एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, अब ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, तो फंजाई को तो भी कुछ करना चाहिए, करना पड़ता मतलब पड़ेगा। तो फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन, क्या माइकोबायोन, और ये क्या है हेटरोट्रॉफिक। अब वो क्या फायदा प्रोवाइड करेगी एल्गी को अगर खाना नहीं देती है तो? फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, क्या शेल्टर, शेल्टर यानी सपोर्ट, ठीक है, रहने का जगह या फिर किसी किसी एक चीजों में, पेड़ में या फिर एनिमल्स में एंकोरेज करने के लिए, वहां पर रहने के लिए हेल्प करती है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी, एंड एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब करती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और क्या, और वाटर, दो चीजें, क्या गौर से देखिए, दो चीजें, एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स और एक वाटर, दो, क्या मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, नॉट ओनली वाटर एंड नॉट ओनली मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है, आप दोनों याद नहीं रखते हैं, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर दोनों क्या करती है, फंजाई एब्जॉर्ब करती है फॉर एल्गी, और एल्गी क्या करती है, अपना खाना बना करके फंगाई को खुद भी खाती है और उसको पार्टनर को भी खिलाती है। तो आपको भी ऐसे ही म्यूचुअल एसोसिएशन में रहना है, ठीक है, म्यूचुअल एसोसिएशन में जब भी हमेशा, देखिए ये एक्चुअली हंसने वाली बात नहीं है, हमेशा अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहे तब भी म्यूचुअल एसोसिएशन में रहिए, आपकी वाइफ के साथ रहिए तब भी म्यूचुअल मतलब एसोसिएशन में रहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही आपके लिए सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट है, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। आप शायद आपको याद होगा पहले कहा था जब कि लाइकेंस, अगर आप रूरल एरिया में से है तो आपको अगर बाहर जाएंगे तब आपको पेड़ में मिल जाएगा लाइकेंस है, ठीक है, और अगर सिटी में है तो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहते। तो लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होती है। ये देखिए हमने क्या पढ़ा, लास्ट में लाइकेंस पढ़ लिया, हमने प्रियॉन्स पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, वायरसेस पढ़ लिया, हमने किंगडम फंजाई प्लांट एनिमल बीच में थोड़ा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया, फंजाई का सारा कुछ प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया, मनेरा भी पढ़ लिया। हाँ, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन खत्म। और आप मुझे लगता है कि मैंने जो जैसे कह रहा हूँ आपने भी वैसा ही किया है, नोट्स प्रॉपर बनाया है और हर एक लेक्चर को आपने साथ में ही पढ़ लिया, दैट मीन्स आपका भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म।